हाय हेलो दोस्तों, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हूँ आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है वो कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड भी है, लेकिन बाकी सब जॉब्स के साथ भी रिलेटेड है, चाहे लड़की के लिए हो चाहे लड़के के लिए हो। वर्क और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था इस टॉपिक के ऊपर बात करना, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारी लेडीज़ ने, लड़कियों ने जो मैरिड हैं उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। तो मेरा दिल किया कि आज इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं दे ही दूँ। तो मैं जैसे मैनेज करती हूँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ, शायद मेरे से बेहतर लोग भी होंगे जो इन चीज़ों को मेरे से अच्छे तरीके से भी मैनेज करते होंगे। लेकिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं, एक छोटा सा बेबी है, मेरे मदर एंड फादर और बाकी फैमिली और रिलेटिव्स भी हैं। तो मैं जब काम पे आती हूँ तो मैं अपने काम पे पूरा फोकस लेके आती हूँ। मैं तब अवॉइड करती हूँ मेरा फ़ोन यूज़ करना, या किसी को टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, या इनफैक्ट फेसबुक यूज़ करना। जब मैं काम पे होती हूँ तो मेरा फोकस पूरा का पूरा काम पे होता है, क्योंकि जहाँ आपका फोकस रहेगा आप वहीं ही प्रोडक्टिव हो जाओगे। अगर आपका फोकस बाकी और चीज़ों में रहेगा तो आप डेफिनेटली अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये है मेरा पहला टिप कि अपने काम पे फोकस रखें, उस टाइम पे फालतू की चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट ना करें। ये पहला टिप है। दूसरा टिप ये है कि जब आप घर पे होते हैं, सेम चीज़, घर पे अपना फोकस रखें, उस टाइम पे अपने काम की जो ईमेल्स हैं या काम की बातें हैं उनको अपने घर में अवॉइड करें। अपने घर वालों के साथ बातें करने के लिए आपके पास और हज़ार होंगी, ज़रूरी नहीं है कि आपने घर जाके अपनी फ्लाइट की बातें ही करनी है। इससे क्या होता है कि आपकी, आपके पार्टनर को भी कभी कभी थोड़ा डोमिनेट फील होना शुरू हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि हर वक्त ये सिर्फ ट्रैवल की बातें या अपने काम की बातें, अपने कलीग्स की बातें ही करती रहती है या करता रहता है। तो ऑन दी अदर हैंड, फैमिली वालों को भी आपका टाइम चाहिए, और उनको वो चाहिए जो आप रियल में हो, आप अपना प्रोफेशन जो है उसमें, जो आप जिस तरीके से अपने कलीग्स को आप डील करते हो या जिस तरीके से आप अपने कलीग्स के बात से बात करते हो, उस तरीके से अगर आप अपने घर वालों से बात करने लग गए तो फिर घर और काम में कोई फर्क नहीं रहता। तो कोशिश करें, बी योर सेल्फ एट होम, जो आप घर पे हो, नॉर्मल हो, देसी हो, मतलब नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में हो, कैजुअल बातें करते हो, घर की, किचन की, बच्चे की, सोसाइटी की, नॉर्मल रहें घर पे। तो इससे एटलीस्ट आपकी फैमिली भी आपको मिस नहीं करेगी, आपकी बातों को मिस नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप घर पे हैं तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली को इनफ टाइम दें। काम पे अपने काम को इनफ टाइम दें, घर पे जब आप हो तो आप अपने घर को इनफ टाइम दें, अपने बच्चे को टाइम दें, उसको खुद पढ़ाएं, उसको खुद बैठें, उसके साथ पोइम्स आप उसको कराएं, आप भी इसको इंजॉय करेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू। ये चीज़ ना करें कि बच्चे के हाथ में एक टैब दे दिया और उसको साइड में बिठा दिया। वैसे ही कभी कभी अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को थोड़ा प्लीज़ करें, उसके लिए एक कप चाय बना दें, कभी उसके लिए थोड़ा सा खाना बना दें। कोई छोटा बड़ा नहीं होता एक दूसरे के करने के लिए, कोई काम अगर आप एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता इस चीज़ से। एक्चुअली सुकून मिलता है अगर कोई भी पार्टनर, चाहे लड़की या लड़का, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो इससे अच्छा लगता है। तो ये कुछ एक बातें थी जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मैरिड लड़की हो तो कोशिश करें आप अपना फोकस अगर अपने काम में कर रही हैं प्लस आप अपनी फैमिली लाइफ में फोकस करें, और बहुत ज़्यादा फोकस बाहर की बातों से हटाएं, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि कोई भी दुनिया का इंसान आपको देख के खुश नहीं होता। आप प्रोडक्टिव कुछ करते हो या लाइफ में आगे बढ़ते हो, अगर एक इंसान आपके लिए खुश हो रहा है तो 99 आपको देखकर दुखी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को सोच के टेंशन नहीं लेनी है आपने, इस चीज़ को एंजॉय करना है। जैसे कि पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि गमों को हमेशा एंजॉय करोगे तो गम भी कम नहीं लगते, वो भी आपको खुशियाँ लगने लग जाते हैं। सो दिस इज़ द टिप, खुश रहें, फोकस अपना जिस टाइम पे जहाँ पे आप हैं उसी चीज़ में अपना फोकस रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।